तो आज है 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस। आज आज़ादी फील हो रही है, इतनी आज़ादी कि क्या बताऊँ। आज कुछ काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, एक अनजानी जगह पे हैं जहाँ पे बस कल ही पहुँचे हैं और यहाँ के जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस वजह से कहीं जा भी नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसको मतलब जो हमें एक वजह दे घूमने के। एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हम कल ही आए हैं और आज छुट्टी हो गई, कल के दिन काम होकर पढ़ाई होकर के आज छुट्टी हो गई और आज खाली बैठे हैं। चार दोस्त, टोटल 5 दोस्त आए थे जिसमें से एक दोस्त कल ही निकल गया किसी और दोस्त के पास और आज एक सुबह निकला है, तो 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2 सो रहे हैं अभी और मैं कितना ही सोऊंगा, नींद खुल जाती है और फिर सारी चीज़ें करके चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब अब जा कर के बोर हो रहा था तो सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक लंबा वीडियो, तो बस उसी के लिए बैठा हूँ। मन में कुछ बड़े विचार नहीं है, बड़े विचार लाने का मन भी नहीं होता है, पर विचार ही हैं जो आपको आपकी समस्याओं का हल देते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया है क्योंकि विचार से ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं और विचार से हल भी उत्पन्न होते हैं। अगर किसी समस्या पर विचार ना किया जाए तो वो समस्या लगती ही नहीं, और किसी समस्या मतलब समस्या तो जाहिर सी बात है आएगी और मन में आएगी, तो उस पर गहन अध्ययन किया जाए तो उसके हल भी मिलते हैं। तो मैं खाली था, ये मन का वहम था, मन में चल रहा था और मन में फिर आया कि एक वीडियो बना ली जाए तो थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, और ये विचार आया कि एक लंबा वीडियो बनाया जाए। उधर की ओर तिरंगा लगा हुआ जो लहरा रहा है और बार बार मेरे मन में ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ से कोई देख रहा है। संदेह, ये भ्रम होता है। खैर, चीज़ें ऐसे चल रही हैं। बात करें शुरुआती समय की, जब 15 अगस्त को पहली बार मैंने अनुभव किया था, तो 15 अगस्त या 26 जनवरी जब होता था, जब ये समय आता था, तो सरस्वती शिशु मंदिर में मैं पढ़ा करता था, तो वहाँ के अनुभव बड़े प्यारे रहे। स्कूल अच्छा था पर पढ़ाई ढंग से हो पाए पता नहीं, क्योंकि टीचर्स को फीस उतनी दी नहीं जाती है, तो उतने कम पैसे में दिन भर पढ़ा के क्या ही हासिल कर लेगा वो, तो बस उनको पीटना अच्छा लगता था और होमवर्क देना अच्छा लगता था और थोड़ा बहुत कभी पढ़ा लिया जाता था, तो पढ़ लिया जाता था, यही सब चलता था। और सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े ज़ोर शोर से होते थे, हर हफ्ते एक गीत संगीत का कार्यक्रम रखा जाता था जहाँ पे हर लोग सभी लोग अपनी कविताएँ सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे, विचार व्यक्त करते थे, और उन्हें देखकर मुझे लगता था कि क्यों ना मैं भी ऐसा सब कुछ करूं और मुझे भी आगे बढ़ना था इन सब मामलों में, पर खाली सोचना और करने में फ़र्क होता है। काश मुझे ये पहले पता होता कि जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने का मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए बैठना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, विचार करने पड़ते हैं, उसके बाद बताना होता है। तो वो सारी चीज़ें अगर ध्यान में ले लिया होता तो अभी काफ़ी आसान होता, मतलब पहले ही काफ़ी आसान होता। मैं समझता था इंग्लिश मुझे ऐसे ही आ जाएगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, पर मैं पढ़ने का ट्राई नहीं करता था कभी। कभी ट्राई कर लिया होता तो बड़ी आसानी से हो जाता शायद, क्योंकि जब कोई पढ़ रहा होता है तभी उसे आता है और बताने वाले तब भी बताते हैं और फिर समझ में भी आता है।
आलसी इंसानों की गिनती में मेरा नाम सबसे पहले आता है मेरी लिस्ट में। खैर, तो शिशु मंदिर में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की अलग ही व्यवस्था थी, मतलब मज़ा ही आता था दोनों ही मामलों में। देखो, एक कताई मिल हुआ करती थी, मतलब अभी भी प्रेजेंट है, उसके बगल में शिशु मंदिर हुआ करता था, तो सरस्वती शिशु मंदिर कताई मिल उसका एड्रेस हुआ करता था, कताई मिल बगल में ही थी, अभी भी है लेकिन पहले चलती थी। तो जब चलती थी उस समय हम लोग पहले आते थे, झंडा रोहण होता था, फिर कताई मिल में जाते थे, वहाँ झंडा रोहण होता था, वहाँ से लड्डू मिलते थे, और फिर यहाँ पे आते थे, और फिर कुछ कार्यक्रम होते थे, फिर छुट्टी होती थी। तो ये व्यवस्था थी पैदल चलने की, पटरियाँ कताई मिल और स्कूल के बीच में पटरियाँ थी, रेलवे पटरियाँ, और उनको पार करके जाते थे। कितना शानदार समय था वो। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में मेरे वतन के लोगों जब सुनते थे तो सब रोम रोम कंपित हो जाता था, उसका अनुभव ही कुछ अलग है। देशभक्ति से समा जाती थी अंदर। बहुत प्यारा अनुभव रहा है। फिर ये सब चलता रहा, उसके बाद फिर हाई स्कूल के लिए किसी और स्कूल में गए, 8 तक वहाँ पे पढ़ाई की सरस्वती शिशु मंदिर में, फिर 9-10 के लिए एक दूसरे स्कूल में जाया गया, जहाँ का भी अनुभव शानदार है। हालांकि उस जगह पे देखिए 9-10 वाली जो उम्र होती है, नए नए प्यार की उम्र होती है, चाहत तो थी कि कोई मिले, पर आलसी इंसान, आलसी में मेरा नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो इतनी मेहनत नहीं करते, ना पढ़ाई में ना प्यार करने में। देखा, मुस्कुराया, उधर से कोई जवाब बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि उसने नहीं देखा ना मुस्कुराया, तो बात ख़त्म। खैर, एक 26 जनवरी की बात है, अपने स्कूल में गया, वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, तो जिसके साथ गया था वो किसी और स्कूल में लिवा गए, साथ में वहाँ पे कार्यक्रम देखा गया, और एक लड़की जो हमारे साथ पढ़ती थी वहाँ पे दिखाई दी थी, बस दिखाई दी थी, कुछ नहीं। कार्यक्रम ख़त्म हुआ और जो हमारे साथ गए थे उनके मित्र का घर वहीं आसपास था, तो उनके घर पे खाना हुआ, और हम उस समय सर्दियों में मटर का सीज़न होता है, मटर की सब्जियां बनी थी, हमारे यहाँ बनते थे मटर और आलू मिलता है, वहाँ पे केवल मटर, मैंने पहली बार केवल मटर की सब्ज़ी खाई थी, और ये चीज़ें याद रह गई। फिर हाई स्कूल बीत गया, इंटरमीडिएट का समय आया, जवानी और जोर मारी, फिर से प्यार करने की, मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन आलसियों में सबसे ऊपर हमारा नाम है मेरे लिस्ट में, इसलिए वहाँ पे भी मेहनत नहीं की। वहाँ के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की बातें अलग हैं, होते करते कार्यक्रम चलते चलते, मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉपर ढंग से नहीं होता था। एक तो वहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा वो ये है कि मैं अभी तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, जो कि एक प्रॉपर हिंदू स्कूल है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो सकती है इस बात को कहने में, अभी जो मैंने कहा तो उससे संबंध है, जुड़ा हुआ है, विद्या भारती द्वारा संचालित है, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज वाला काम चलता था, और जहाँ पे हाई स्कूल हमने किया वहाँ पे एक सामान्य सी बात होती थी, मतलब उसमें कुछ खास नहीं था, कार्यक्रम ज़्यादा होते ही नहीं थे।
फिर यहाँ पे आया जब इंटरमीडिएट में, तो वहाँ पे एक नाम तो सामान्य से था, लेकिन मुस्लिम बच्चे और अध्यापक बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से वहाँ का जो संबोधन था वो मुस्लिमों वाला था। तो जो हिंदू बच्चे भी जाते थे उन्होंने भी वही सीखा था और वही बोलते थे उस जगह पे, मतलब उस स्कूल में। मैं पहली बार मैंने गालों पे तिरंगे का सस्ता बनाया था, मैंने ब्रश से शीशे में देख के बनाया था और वहाँ पे गया था। मेरे एक इंग्लिश वाले टीचर थे, वो 26 जनवरी की बात है, 15 अगस्त की कुछ ख़ास यादें याद नहीं आ रही हैं, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त की सारी चीज़ें ऐसे मिक्स हो जाती हैं। कोई भी याद आपके 15 अगस्त की स्पेशल या 26 जनवरी की स्पेशल नहीं हो पाती है, दोनों मिक्स हो जाती हैं। सर्दियों का समय वाले ही चीज़ें ज़्यादा याद आ रही हैं, क्योंकि 15 अगस्त में स्कूल शुरू हो रहे होते हैं और ऐसे में ज़्यादा कार्यक्रम व्यवस्था हो नहीं पाती हैं, इसलिए कुछ ख़ास याद तो नहीं है। बरसात भी हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा उसकी यादें नहीं शायद जुड़ पाई हैं जहन में। आज 15 अगस्त है और आज एक ख़ास जगह पे हूँ जहाँ पे झंडा रोहण नहीं हो रहा, तो इसकी एक ख़ास याद जुड़ जाएगी, ये तो देखा जाएगा। आगे वीडियो बना रहा हूँ तो उसका भी एक अलग महत्व तो पड़ेगा, देखते हैं उसका तो आगे जीवन में भविष्य में देखा जाएगा। तो 26 जनवरी की बात करता हूँ, तो सर्दियों की बात है, वहाँ पे कार्यक्रम हो रहे थे, मेरा मन कर रहा था मैं कार्यक्रम में जुड़ूँ लेकिन नहीं जुड़ पाया, कोई गीत सुना नहीं पाया। खैर मैं बात कर रहा था तिरंगे की और मैंने गालों पे बनाया था, मेरे इंग्लिश वाले टीचर जो थे उन्होंने मुझे कहा था ये क्या पागलपन बना रखा है, तो मैं बहुत शर्मशार हो गया, शर्मिंदा हो गया और मुझे मैंने जाकर तुरंत पानी से मुंह धोया और ये वो बात है जो मेरे जहन में फिर भी बाकी रह गई है। और फिर इंटर पूरा हो गया, अभी तक मैं बेहद नादान सा बच्चा था, मैथ या फिर पढ़ाई से मेरा सही से नाता नहीं था उतना ज़्यादा बेहतर, मज़ा नहीं आता था। फिर पढ़ाई का एक दौर शुरू हुआ था, मुझे पॉलिटेक्निक करना था। अब मुझसे जब कोई पूछता है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है तो मैं कहता हूँ कि कुछ और कर लो, पॉलिटेक्निक मत करो, पर उस समय मुझे पॉलिटेक्निक करना था, मैंने नया नया उसका नाम सुना था। तो मैंने एंट्रेंस नहीं दिया था, मतलब दिया था पर नंबर बहुत कम थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक साल तैयारी करते हैं, उस साल ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन ले लिया, 2013 की बात है, 2013 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और मेरा ग्रेजुएशन 5 सालों तक चलता रहा उसका भी एक अलग किस्सा है, उसका भी सुनाएंगे। तो पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए मैं एक कोचिंग में गया और उसी समय दो महान गुरु मेरे ज़िंदगी में आए। हालांकि जितने भी गुरु मेरे जीवन में आए, जितने भी अध्यापक मेरे जीवन में आए, सब ने अपना एक बेस्ट पार्ट मुझे दिया है, उन्होंने दिया नहीं मैंने ले लिया, ये ऐसा भी आप समझे, पर हुआ काफ़ी अच्छा समय बीता। एक शानदार टीचर जिन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा होना सिखा दिया एक और बेवकूफ़ी वाली बात, ये समय था 2013 का जब मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था और पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, बेमतलब फिजूल की बातें मैंने स्टेज पे की थी, सभी ने मुझे पकाऊ कह दिया था, पर उस दिन जो बेइज्जती हुई थी अभी भी महसूस होती है, पर उस बेइज्जती ने मेरे बोलने के जो
जो भी है वो खोल दिया था, और उसके बाद फिर बोलना आ गया मुझे। आज भी उस स्टेज का सीन याद करके शर्मिंदा हो जाता हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं, यार ये पल मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, कितना पकाया था तुमने। तो उस समय भी बीत गया, काफ़ी शर्मिंदा हुआ था, पर बोलने की वजह से मन खुल गया था, फिर बोलना पढ़ाना आने लगा था। और उसे समय रेडियो पे कहानियाँ सुना करता था मैं, रात में कहानियाँ सुनता था, दिन में कोचिंग में मैं पढ़ता कम पढ़ाता ज़्यादा था, पढ़ाई करता था, पढ़ के जाता था, दोस्तों को क्वेश्चन नहीं आते थे उनको मैं बताता था। वो एक शानदार समय था, बेहद शानदार। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई में इतना मन कभी नहीं लगा था। कोचिंग की बात छोड़िए, घर पे जाके मैं पढ़ता था, और मैं सिर्फ पढ़ने में बैठा नहीं रहता था, सच में पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे प्रूव करना होता था कि मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ। हालांकि मैथ ही अकेले पढ़ा हमने उस समय, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी थी पर उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, पर कम से कम पढ़ना अच्छा लग रहा था। और तो उसमें 15 अगस्त जब आया था, 15 अगस्त को तो नहीं, 26 जनवरी को बकवास वाला सीन हुआ था। फिर पॉलिटेक्निक में सेलेक्ट हुए, पॉलिटेक्निक कॉलेज एक मिला फैज़ाबाद का, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है। तो वहाँ गए, वहाँ पे भी बेहतरीन अनुभव रहे। 3 साल वहाँ बिताया, और 3 सालों में 15 अगस्त तो कभी ढंग से मन नहीं पाया, थोड़ा बहुत कभी कभी हुआ, विचार कभी कभी व्यक्त किए, पर आनंद आया। वहाँ पे कई दोस्त मिले जो अभी भी साथ में हैं, दोस्ती गहरी है। एक ख़ास दोस्त जिसका जिक्र करना चाहेंगे, उसने कहा था कि यार, कहता है अभी भी कहता है कि यार, पॉलिटेक्निक के टाइम में जो मैंने ज़िंदगी जी थी वो मेरा 100% था, कि जब मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। अभी काम कर रहा है वो, पर उसके कहता है कि अभी यार 20% या 30% जी रहा हूँ, उस समय 100% जिया था। सब तरीके से मतलब जागरूक होना, ज़िंदा होना कैसा होता है। मैं सोचा करता था कुछ समय पहले था, ज़िंदगी जीना तो नहीं पर जागरूक होना सीख गया। अब आज इस समय मैं पटरियों पे काम करता हूँ, हर पल मुझे, हमारे सभी साथियों को ये भय रहता है कि किधर से ट्रेन आ रही है, ध्यान देते रहो, हर 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पे हमेशा ध्यान पटरियों पे रहता है कि किधर से ट्रेन आ रही है। और काम करते वक्त पूरा ध्यान काम पे होता है, क्योंकि अगर चूक हुई तो बहुत नुकसान हो सकता है, लोहे का काम है भाई, दर्द दे सकता है। ये भी पीता है, अभी भी चल रहा है, अभी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, कहा गया कि यहाँ पे बहुत मज़े आएंगे। पहला दिन तो बड़ा मुश्किल में बीता, क्योंकि उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया था, अभी पढ़ाने वाला समय आया नहीं कहानी में। तो पढ़ाते पढ़ाते इतना 4-5 6-7 साल से पढ़ाते पढ़ाते इतना
हो गया कि अब पढ़ने का मन नहीं करता। तो स्टेज जब क्लासरूम में पहुंचा, वहां पे वाइट बोर्ड देखा तो जी मचल उठा के, मैं कहां बैठ गया हूं यहां पे। फिर कोई बात नहीं, तो पॉलिटेक्निक की यादें शानदार हैं। वहाँ पे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस उतना बड़ा अवसर नहीं होता था, पर जो अवसर सबसे शानदार होता था वो खेल कूद वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का होता था। 3 या 4 दिन कार्यक्रम चलता था और शानदार। और उस समय मैं पढ़ाई फिर से भूल गया था क्योंकि कोर्स की किताबें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, फिर भी मैं पढ़ता नहीं था। यही तो पढ़ने में वही पुरानी बात की आलसी मैं तो हूँ, मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर हूँ मैं, और तो पढ़ाई की नहीं कभी ढंग से। चाहते तो पढ़ लेते, चीज़ें बहुत आसान हो जाते, पर कभी ढंग से पढ़ाई की नहीं। एक सामान्य तौर से अगर बैठ जाओ चुपचाप प्यार से पढ़ने के लिए एक निश्चित समय में, तो पढ़ाई एक शानदार तरीके से हो जाती है। उस समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, पढ़ाई हो जाती है। पर डिस्ट्रैक्शन मुझ पे हावी हो चुके थे, हमेशा से हावी थे। ये बातें कभी भूल नहीं सकता मैं। पॉलिटेक्निक का समय बीता, फिर मैं घर आ गया। उसके बाद से मैं घर पे ही था। अभी 2 महीने पहले था, 2016 के बीच में, जून जुलाई के लगभग मैं घर आया। फिर वही अपनी पुरानी कोचिंग पे वापस गया पढ़ने के उद्देश्य से। फिर मैंने अपने सर से पूछा कि क्या कोई पढ़ना चाहता है। उससे पहले मैं बीच में गया था एक अपने दोस्त के साथ पढ़ाने के लिए, पर वो जगह ज़्यादा मुझे भाई नहीं, दूर भी थी और बोरिंग बच्चे, मतलब इंटरेस्टिंग थे पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे जो मैं झेल नहीं पा रहा था। वापस मैं वापस अपने कोचिंग में पहुंच गया पुरानी यादों को ताज़ा करने। फिर पढ़ाई शुरू की, थोड़ा बहुत पढ़ा। सर से कहा कि मुझे पढ़ाना है, तो उन्होंने कक्षा 9 का बैच पकड़ा लिया क्योंकि पॉलिटेक्निक की तैयारी के दौरान मैंने जितनी मेहनत की थी सर ने देखी थी। मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था और 1 महीने तक मैंने हाई स्कूल वालों को पढ़ाया था। मैथ पढ़ाया क्या था, वो जो क्वेश्चन पूछते थे मैं उस क्वेश्चन का आंसर देता था, ये किया था। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अनुभव होता गया। और जब मैं अपनी एक अच्छी वाली स्थिति में पहुंचने वाला हुआ, तब जॉब लग गई और मैं यहाँ आ गया। कोचिंग में 6-7 साल पढ़ाया। पैसे ज़्यादा तो नहीं बने, पर बच्चे थोड़े प्यारे मिल गए, जीवन सुख में बीता। पर पैसे की कमी की वजह से सुख उतना ज़्यादा आनंददायी नहीं रहा इस वजह से यहाँ आना पड़ा। फिर YouTube पे भी स्टार्ट किया हमने, कुछ करते हैं, पर YouTube पे भी सफलता उतनी मिली नहीं। जो भी मिले हो आप लोग, वो कहते तो हो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर वही है कि बहुत से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच नहीं पाती है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग ही देखेंगे, अच्छी बात है। जीवन के हर एक लम्हे को याद करने का प्रयास कर लिया, पर जीवन बस इतना थोड़ी ना होता है, जीवन तो लंबा है। जन्म से लेकर अब तक बहुत प्रकार के समय देखे हैं। 25 पैसे के
टॉफ़ी ख़रीदी है, फिर 50 पैसे को बंद होते देखा है, मोबाइल फ़ोन जो कीपैड वाले होते थे उनको आते और फिर खुद को वीडियो बनाते हुए देखा है। एक समय था जब मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल होता था नोकिया का, जिसमें थोड़े से 2-4 सेकंड की आवाज़ रिकॉर्ड होती थी। वहाँ से यह वीडियो रिकॉर्ड करने तक का सफ़र तय किया है। ऐसा लगता है छोटी सी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ देख लिया, कोरोना देख लिया, नोटबंदी देख ली, आई फ्लू भी देख लिया, क्या क्या नहीं देख लिया, बहुत कुछ हो गया। इतनी वैरायटियां तो शायद कई जीवन लेने के बाद मिलेंगे। ये बहुत सही समय है, हम एक बदलते हुए युग में जन्म लिए हैं। हमारी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी ऐसी है जिसका जो बचपन का फ़ोटो है वो कैमरे से खींचा गया, मोबाइल फ़ोन से नहीं। उसके बाद से तो उनतीस साल ज़िंदगी काफ़ी रफ्तार से चली जा रही है। पता नहीं क्या पाया क्या खोया, मुझे नहीं पता, अभी कुछ पाना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है, पर सही है सब अच्छा है। बैठा था 15 अगस्त को याद करने, 26 जनवरी याद करते करते पूरी ज़िंदगी याद आ गए वो लम्हे जब मैं छोटा सा था, कुछ लम्हे, किन किन बातों पे मैं रोता था, कब कब मेरी पिटाई हुई थी, कब कब बहुत मुश्किल दौर से गुजरा था, कब कब क्या हुआ था मेरे साथ, कब कब जान बची थी, सब याद आ जाता है। बहुत से फिजूल के काम किए हैं ना, इसलिए जान भी जोखिम में डाली है। फिर किस्मत ने यहाँ तक पहुँचाया है, तुक्के से जीवन बचा है, वरना जीवन ख़त्म होने के लिए मतलब जानते हो, कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि एक पटरी पैसे हम जैसे हम काम करते हैं वैसे ही काम करते हुए कुछ लोगों ने सारे से एक लोहे की लंबी सी रॉड होती है जिसको हम बारी कहते हैं और घर पे मेरे उसे रंभा कहते हैं और कुछ लोग बारी कहते हैं, लंबी सी रोड होती है, आगे एक किनारे पर थोड़ी सी चपटी रहती है ताकि पटरियों को उससे उठाया जा सके या फिर थोड़ा बहुत कुछ विशेष प्रकार से काम किया जा सके, गड्ढा खोदा जा सके। एक ट्रेन गुजरी और वो बारी सही से रखी नहीं थी और वो उछल के एक यात्री को जा लगी थी। तो जहाँ पर कोई गलती ना हो जीवन वैसे भी नष्ट हो सकता है, भूकंप आ सकते हैं, सुनामी आ सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, पर बहुत मुश्किल दौर से बचकर आए। तुक्कावादी और किस्मत कहाँ पहुँचा दे कुछ भरोसा नहीं होता। खैर चलिए, मुझे लगता है कि मेरी इन बातों को अब यहाँ पे रोक देना चाहिए।
थैंक यू।